हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुड़गांव, और गुड़गांव में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उद्योग विहार। उद्योग विहार जहाँ की हर एक कंपनी, फैक्ट्री, मतलब उद्योग विहार के नाम से आपको पता चल गया होगा कि बिजनेस और ऑल अबाउट बिजनेस। तो आज मैं वो दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है लॉकडाउन के वक्त, ठीक है, जहाँ पर ऑफिस सारे बंद है, तो क्या हाल है उद्योग विहार का और कैसा दिखता है उद्योग विहार। तो चलो देखते हैं। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिटेल आपके स्क्रीन पर है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो उद्योग विहार चलते हैं और देखते हैं कि उद्योग विहार कैसा दिखता है लॉकडाउन के वक्त, ठीक है। चलो मास्क पहन लेता हूँ, वैसे मेरे साथ कोई है नहीं गाड़ी में, लेकिन फिर भी पहन लेता हूँ, यू नो, सेफ्टी। तो चलो, ये जो है, देखो इधर ये जो देख रहे हो, ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, और यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ उद्योग विहार की तरफ, और मैं वहीं आपको लेकर चल रहा हूँ। इस वाले पहले वाले ये जो बाइक जिधर से ये भाई ले रहा है यूटर्न, यहाँ से जाओगे तो आप इनकम टैक्स का जो ऑफिस है वहाँ भी जा सकते हो, टैक्स डिपार्टमेंट का, यानी कि तो टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में भी आप जा सकते हो। ये है शंकर चौक, और यहाँ से फिर आप लेंगे हम लेफ्ट, और ये नई जो बिल्डिंग आ रही है ये भी DLF का है पूरा। और सोचो जब इसमें सारे ऑफिस आ जाएंगे, कंपनियाँ आ जाएंगी, तो क्या हाल होगा। देखो वाव, सबसे अच्छी बात इस जगह पे देखने को ये मिल रहा है कि इस पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये पेड़ पौधे कितने साफ़ सुथरे दिख रहे हैं ना, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी चलती थी कि धूल मिट्टी से ना ये दिखता नहीं था। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये जो एक लेन इसमें नया ऐड किया उद्योग विहार ने, पहले ये 2 लेन का हुआ करता था, अब 3 लेन का हो गया। और ये जब DLF की बिल्डिंग्स जब बनकर तैयार हो जाएगी, इसमें ऑफिस जब आ जाएंगे, तो ये जगह और भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। ये है ट्राइडेंट होटल जो उद्योग विहार में आता है, और इसके जस्ट बाजू में है ओबरॉय, तो ओबरॉय होटल भी है। और ये वाला जो गेट है ना, जहाँ पे ये ग्रीन कलर का ये लगा रखा है इन्होंने पूरा चादर वादर, ये ओबरॉय का एंट्री है, ये ओबरॉय गुड़गांव, ठीक है। और ये यहाँ तक ये पूरी बिल्डिंग देखो कितनी लंबी है, मैंने वीडियो स्टार्ट किया और फिर ये यहाँ तक है। कितने दिनों बाद मैं आया हूँ, यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो आप जा सकते हो उद्योग विहार, या फिर सेक्टर 22 भी जा सकते हो। इतने दिनों बाद मैं इधर आया हूँ, और ये रोड यार क्या कमाल का बना दिया है, वाव। आपको याद होगा उद्योग विहार इस जगह पे आने के लिए भाई ये सिर्फ 2 लेन रहता था, और इधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता था और इतना ज़्यादा भसर रहता था इधर कि यार गाड़ियाँ निकालना तो मतलब बहुत ही टफ था, ठीक है। इधर ये वाला Phase 3 है मेरे राइट में, और ये देखो कितना सही लग रहा है। MDH का भी ऑफिस यहीं पे है, MDH इंडिया का, अभी आगे दिखेगा आपको। ये देखो कितना सही बना दिया यार, ये ल्यूमेक्स का है, ये वाला जो देख रहे हो बिल्डिंग, ये ल्यूमेक्स का है। आगे आपको अभी मिलेगा मेक माई ट्रिप का भी ऑफिस है इधर ही। ये जगह यार वाह, मतलब, और देखो कितना खाली खाली लग रहा है ना, किसी ने सोचा नहीं था एक दिन कभी उद्योग विहार ऐसा दिखेगा। और रोड्स तो सही में यार, रोड मतलब दिल को छू लिया यार, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इधर रोड का काम चल रहा है, मुझे आइडिया भी नहीं था कि उद्योग विहार में भी रोड का काम चल रहा है और लेन ऐड किए जा रहे हैं। और देखो एक लेन से ही कितना सही पूरा बदल गया माहौल ना एकदम। एक तो लॉकडाउन है, ऑफिस खुले नहीं है, फैक्ट्री खुली नहीं है, तो ये पूरा एक तो खाली दिख रहा है, और जिसकी वजह से ऐसा एक्चुअल में दिख रहा है उद्योग विहार। मैंने कभी उद्योग विहार को ऐसा देखा ही नहीं है, क्योंकि ये दिखता भी नहीं था ऐसा, सच में यार। यहाँ पे ये लजीज ढाबा है, पहले हुआ करता था, और वाह, मेरे को तो देख के इतना सही लग गया ना ये, भाई साहब मज़ा ही आ गया यार। और ये स्वजल है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, उनका ऑफिस है। तो ये पूरा उद्योग विहार, मतलब अगर आप में से बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, यहाँ पे काम किया होगा कभी ना कभी, कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा दिखने वाला है, नहीं ना। ये राइट में देखो, ये है अंबुजा सीमेंट का ऑफिस, ये वाला, ये जो बिल्डिंग है ना, हाँ ये अंबुजा सीमेंट का है, आपको ब्रांडिंग भी उसकी दिख जाएगी। ये पूरा यहाँ पे ऑफिसर्स ने भी अपना पूरा एकदम एडवांस कर लिया है, देखो कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना ली है सबने, और दिख रहा है एक्चुअली में। NIIT का ऑफिस, NIIT टेक्नोलॉजी, और
ये पूरा फेज़ वन है उद्योग विहार, ठीक है, ये जो दिखा रहा हूँ ये उद्योग विहार फेज़ वन है, NIT का है ये, सो करके कुछ आया बॉक्सेट का है क्या, सो बॉक्स ये क्या है पता नहीं यार, ये मुझे कंपनी का नहीं पता, आपको पता तो बताना, ये वाली बात कर रहा हूँ, ये जो लिखा ना सो बॉक्स, और उसके बाजू में ये छोटी सी बिल्डिंग दिख रहे हो ना, ये वाला ये है MDH, दिख गया होगा देखो, ये है MDH का भाई साहब, पूरा कमाल ही हो गया यार, नाइस यार, अभी अंदर भी लेके चलूँगा उद्योग विहार के, ठीक है। मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं था कि उद्योग विहार भी इतनी जल्दी और इतना सही बना दिया है ना, ये राम चौक डुंडाहेरा विलेज भी जा सकते हो, यहाँ से राइट लूँगा तो मैं जा सकता हूँ फेज़ टू फेज़ थ्री जाके देखता हूँ रुको। इधर देख रहे हो ना ये चाय वाले ये बैठे हैं यार, सारे सबके आपको मिल जाएंगे, देखो ये रेडी सबकी रखी हुई है, क्योंकि यार ऑफिसेस तो चल नहीं रहे, क्या करेगा कोई, क्या क्या ही बेचोगे, अब ऑफिसेस चल नहीं रहे, सारे ऑफिसेस बंद है, तो इसलिए ये भी बंद है सब कुछ, देखो लॉकडाउन में क्या हाल हो रखा है ना, उद्योग विहार ऐसी जगह पूरी खाली हुई है, और उद्योग विहार जैसी जगह पूरा शांत पड़ा हुआ है, ये पूरा फेज़ टू का एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। और एक टाइम पे मैंने भी इस जगह पे काम किया हुआ है फेज़ टू पे, मैं अपनी कंपनी दिखाऊंगा अभी आपको ना, यहाँ से अभी आएगा ना अगले वाला जो, उससे लेफ्ट लोगे तो जाके मेरी कंपनी आती थी, और टेली परफॉर्मेंस भी है ना, आई थिंक ये वाली बिल्डिंग है, आई थिंक राइट वाली, हाँ ये टेली परफॉर्मेंस का कॉल सेंटर है, ये जो बिल्डिंग सामने आपको दिख रहा है, और यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो मेरी एक कंपनी होती थी यहाँ पे पहले, मैंने उसमें काम किया हुआ है, और सच में यार ऐसा नहीं दिखता था, संडे को भी नहीं दिखता था, मैं संडे को भी आता था, ये टेली परफॉर्मेंस ये वाला, ठीक है, ये SMS ग्रुप जो है ना सिक्योरिटी कंपनी जो है उसका है, ये फेज़ थ्री है, ठीक है, और ये पूरा खाली भरा हुआ है, वो टू था अब भी ये थ्री है, मैंने भी फेज़ थ्री में काम किया हुआ है, और जितने साल मैंने काम किया मुझे तो कभी नहीं दिखाया है ऐसे पूरा खाली वीरान और सुनसान, संडे को भी नहीं, ये एक इसमें मोस्टली तो वीवर्क ने ले रखा है इस बिल्डिंग को, और इसमें विजन सेविंग क्रीम जो आती है ना उसका भी ऑफिस है, ये मैंने तब देखा था जब मैं इधर काम करता था, तब वो बिल्डिंग बन रही थी जिसमें है ना वो वीवर्क का जो दिखाया अभी आपको, तब वो बन रहा था बिल्डिंग, अभी वो बन भी गया है, ऑलमोस्ट मैं भी इधर यार एक साल के बाद ही आया हूँ, फेज़ थ्री टाइम इंटरनेट का ऑफिस ये वाला, टाइम्स ऑफिस, टाइम्स ऑफ इंडिया उन्हीं लोगों का है, टाइम्स ग्रुप है ना उसी का ही है, और मोस्टली अब तो पता है क्या है, उद्योग विहार में भी ना चीज़ें अपग्रेड हो रही है, बिल्डिंग्स लोग क्योंकि देखो फैक्ट्रियाँ उतनी चल नहीं रही है, उनको नुकसान उठा रहा, तो वो क्या करते हैं अब वो नई बिल्डिंग पूरी फैक्ट्री बंद करके नई बिल्डिंग बना रहे हैं, और वीवर्क और चाहे MNC ऐसी कंपनियों को ना अब रेंट पे दे रहे हो, क्या करेगा यार, फैक्ट्री तो क्या ही चलाएगा, काम है नहीं, बिजनेस है नहीं उनके पास, ये लॉकडाउन से पहले भी ऐसी हालत थी, ठीक है, तो अब देखो हमने
यहीं से वीडियो स्टार्ट किया था, मतलब ये वीडियो दिखाई थी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग, और सामने जो दिख रहा है वो है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे। देखने के बाद ना ऐसे पूरा यार इमोशनल सा हो गया हूँ मैं सच में यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उद्योग विहार मेरे को कभी ऐसा दिखने वाला है। बहुत लोगों का ऑफिस है भाई, बहुत लोगों ने काम किया इधर, आप में से भी बहुत लोगों ने काम किया है। इधर आओ उद्योग विहार में, ऐसा लगता था कि यार क्या है उद्योग विहार जाना है इस वक्त, नहीं नहीं यार अभी मत जा प्लीज़ भाई, मर जाएंगे अभी जाएंगे तो, इतना ट्रैफिक होगा। और आज ओह गॉड यार मैं चाहता हूँ ना चीज़ें जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ऐसा मैं नहीं देखना चाहता या हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता। कितना एकदम ऐसे एनर्जेटिक सा रहता था ना उद्योग विहार, ऐसा लगता था वाह यार कभी सोता ही नहीं है उद्योग विहार, इंडस्ट्रीज हैं तो आपको नहीं सोएगा ना। सच बताऊँ अगर चाइना ने ये सब कुछ किया है ना, और वैसे जहाँ आग होता है वहीं धुआं होता है, और अगर ये उनका हाथ है जो कि हर किसी को लगता है कि है, तो उनके साथ ये बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि दुनिया की जितनी भी कंट्री है ना सबने ये प्लान कर लिया है कि चाइना की तो लगानी है, और लगाने का सबसे अच्छा तरीका वही फाइनेंशियल क्राइसिस, अपनी अपनी फैक्ट्रीज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब सबको वापस बुलाओ, या उनको बोलो कि भाई चाइना छोड़ दो, जो चाहे वो यूएस हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जापान हो यूके हो, इन इन कंट्रियों ने जो स्टेप लिया ना उससे दिख रहा है कि भैया दिक्कत होने वाली है। और वैसे भी इंडिया ने जो स्टेप लिया ना वोकल फॉर लोकल, कि लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदो, इससे भी सबसे ज़्यादा दिक्कत चाइनीज़ को होने वाली है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अपना सामान बेचते हो हर चीज़ में, और अगर ये सब बिकना बंद हो जाए तो सोचो किसको नुकसान होने वाला है। लास्ट ईयर दीपावली पे कुछ लोगों ने ऐसे मतलब सोचा कि यार चाइनीज़ सामान नहीं लेंगे, धीरे धीरे इंडियंस के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं ठीक है कि चाइनीज़ सामान नहीं लेंगे, और जब उन्होंने ये किया ना दिवाली पे बहुत कम लाइटें बिकी थी, तब चाइना की एकदम लग गई थी, उसने ये काम तो कर दिया है, और उसको आज नहीं लेकिन कुछ सालों बाद ये यकीन होगा ही होगा कि उसने ये बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि ओवरनाइट कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो होती है भाई, और दिखेगा इनको। और जिस दिन इंडियंस के अंदर ये आ गया ना कि भाई नहीं खरीदना हमें चाइनीज प्रोडक्ट, लग गई चाइना वालों की, उसी दिन लग गई इनके, उनके ऐसे घोड़े लगेंगे ना। मैं मेरी तरफ मोस्टली लोग है भाई नहीं सपोर्ट करते, चाहिए नहीं चाइनीज प्रोडक्ट, बहुत लोग हैं। अभी तो क्या था कि पहले तो दबी दबी आवाज में बोलते थे ये, लेकिन पहले क्या था कि उतना ज्यादा, लेकिन इस बात चाइना ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया है, और इसीलिए ना गलत किया भाई तूने चाइना, और शायद मुझे लगता है अच्छा भी किया, पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है कि चाइनीजों पे भरोसा नहीं कर सकते। दुनिया की हर बड़ी बड़ी कंपनी, हर कार मैन्युफैक्चर या कोई भी बोलो, उनका प्लांट वहीं पे मिलेगा, चाहे वो आईफोन ले लो या फिर टेस्ला का देख लो, सबका प्रोडक्शन हाउस वहीं पे उन्होंने बिठा रखा था, सस्ती चीजें सस्ता लेबर बोल के। लेकिन यार हम लोग तो कितने दिन से कह रहे हैं कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट पे यकीन मत करना, ठीक है दुनिया को बाद में समझ में आया हमें पता था चाइना नहीं करता ना, तो पूरी दुनिया को ये समझ में भी नहीं आता। तो सही किया है, अगर इसने किया भी है तो मैं इस वक्त तो कहूँगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसने उसी डाल को काटा है जिस पे वो बैठा हुआ था। पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, कि आपका प्लान अगर कुछ ऐसा था कि पूरी दुनिया को रोक के मैं चालू रहूं, तो फ्लॉप हो गया भाई। क्योंकि तुम्हारे जो डेटा भी आता है ना कि इतने लोग ही मरे हैं, 80,000 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, यकीन नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और ये जितने भी रायता और ये भसर फैलाया ना चाइना ने, प्रॉब्लम इसी को होने वाला है, और देखना ये होगा। और इंडियंस ने तो मान लिया भाई कि नहीं खरीदना तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मेरी तरफ बहुत लोग इमोशनल है और भरा पड़ा है लोगों के अंदर, क्योंकि ये जो उद्योग व्यार मैंने देखा ना यार, तो ये इमोशंस और भी ज़्यादा मेरे गहरे हो गए कि यार
मैंने कभी ऐसा उद्योग विहार को नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, और सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा देखूंगा मैं, या पूरा गुड़गांव पूरी इंडिया को नहीं देखा है यार। वो चांदनी चौक की गलियां, वो रस, वो लोगों से टकराना, मार्केट में जाना, एक दूसरे से बातें करना, मूवी हॉल जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, लोकल मार्केट जाओ, सरोजनी मार्केट, अमर कॉलोनी, ठीक है, लाजपत मार्केट, चांदनी चौक, हरी भरी लगती थी भाई। तुमने पूरे वर्ल्ड की बजाई है, और उस ये सब देखने के बाद ना सबके अंदर ये गुस्सा भरा है। लेकिन इस गुस्से को बस वही तरीका है, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसी तरीके से मान सकते हैं। नो चाइनीज प्रोडक्ट, जीरो चाइनीज प्रोडक्ट, सिंपल। मैं कुछ और खरीद लूंगा भाई, चाइना नहीं खरीद लूंगा, और मेड इन चाइना, मेक इन चाइना कुछ भी हो भाई, चाइना है नहीं चाहिए, घर पे रहे अपने। ये वही करना पड़ेगा जैसे दूसरी कंट्रियों ने किया था ना वर्ल्ड वॉर टू के समय कि, और खासकर जापान को देखो, कभी जापान की हिस्ट्री पढ़ना, जापान ने तो अपना पूरा बदल ही दिया। ये चाइनीज नहीं है भाई भरोसे के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और बस इतना ही आज के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है, कोई भी आपके सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, मैसेज करना मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बाय बाय।